सोलन में नगर निगम संघर्ष समिति ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें नगर निगम के मुद्दे को लेकर विस्तार से सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता कुल राकेश पंत ने की। इस मौके पर नगर निगम की मुहिम को किस तरह से तेज किया जाए, इसको लेकर सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और निकट भविष्य में कुछ कड़े कदम उठाने के निर्णय लिए। नगर निगम संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने बताया कि पिछले काफी वर्षों से सोलन को नगर निगम बनाने की मांग शहरवासी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और अपनी मांगे पहले कांग्रेस सरकार और अब भाजपा सरकार के समक्ष रखी हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम किसी ने भी नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की जयराम सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे जल्द ही सोलन को नगर निगम बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हो पाई है। इसीलिए समिति ने यह निर्णय लिया है कि उनके सदस्य नगर निगम की मांग को लेकर हर वार्ड में रोज 5-5 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को डालेंगे, ताकि सोलन वासियों से किए वायदे को मुख्यमंत्री भूल ना पाए और जल्द ही नगर निगम बनाने की घोषणा करें। जब सीएम साहब पहले यहाँ सोलन में आए थे तो उन्होंने सोलन को कारपोरेशन बनाने का जो सहमति प्रकट की गई थी उसकी हम प्रशंसा करते हैं, पर उसके बाद इस संदर्भ में कोई बात आगे नहीं अभी तक बढ़ी है, तो अपनी चिंता भी व्यक्त करते हैं और मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि उस सोलन को नगर निगम बनाने की घोषणा जल्दी से जल्दी करें। अगला जो हमारा एक्शन प्रोग्राम है, जिसमें प्रमुख रूप से ये है कि सोलन के नागरिकों द्वारा चीफ मिनिस्टर को एक पोस्टकार्ड पोस्ट किया जाएगा, हर रोज हर वार्ड से करीब करीब 5-5 लोग एक एक पोस्टकार्ड इस प्रार्थना के साथ करेंगे कि सोलन को जल्दी से जल्दी नगर निगम बनाया जाए। ये एक हमारा एक्शन प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट होगा। बाकी का निर्णय 2 जनवरी 2019 को यहीं अपना घर में 3 बजे एक मीटिंग रखकर अगला प्रोग्राम फिर तय किया जाएगा।